भारत के शैक्षणिक संस्थान पार्ट वन, टोटल पार्ट फाइव पाँच बनेंगे इसमें। पार्ट वन में हम विश्वविद्यालय पढ़ाई करते हैं, टोटल विश्वविद्यालय, टोटल जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी, कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटियाँ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, सारे यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे। 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी विद्यमान है झारखंड में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 8 स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी और 2 स्पेशल यूनिवर्सिटी, सबको पढ़ेंगे, बस लास्ट तक बने रहिए। तो ये पहले हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दो तरह की हो सकते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो एक सीधे क्वेश्चन याद कर लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही है झारखंड में, उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिटी। कहाँ है ये? ब्रांबे में है, ब्रांबे रांची में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है दोस्तों, बस ये याद कर लीजिए। और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी 8 है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ख़त्म कर लीजिए क्योंकि एक ही था, अब इसको कैसे याद रखें ये सब भी बताएंगे आपको। देखिए, पहला यूनिवर्सिटी 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके उस समय तक एक ही यूनिवर्सिटी था उस समय बिहार में, ठीक है। उसका नाम था पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक। यही पटना यूनिवर्सिटी 1952 में दो भागों में बट गया, एक खुद ही पटना यूनिवर्सिटी पटना में ये रह गया, दूसरा ये कट के एक यूनिवर्सिटी बन गया बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। कब? 1952 में, ठीक है। ये अलग हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब बिहार यूनिवर्सिटी का क्या होता, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में अब तीन भाग हो जाता है, एक खुद बिहार यूनिवर्सिटी ही रह जाता है मुजफ्फरपुर में, बिहार यूनिवर्सिटी वही मुजफ्फरपुर में, दूसरा एक यही टूट बिहार यूनिवर्सिटी टूट के भागलपुर यूनिवर्सिटी बनता है, भागलपुर यूनिवर्सिटी कहाँ, भागलपुर में। तीसरा यूनिवर्सिटी बनता है रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हमारा पहला विश्वविद्यालय मिल गया रांची में, कब बना? 1960 ईस्वी में, ठीक है। किससे टूट के बना? बिहार यूनिवर्सिटी से टूट के बना, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये याद रखिएगा, 1960 बिहार यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, अभी इसके फ्लैशबैक होगा इसका। उसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, 1980 बिरसा कृषि कॉलेज रहता है, बिरसा कृषि महाविद्यालय, ये पहले से रहता है। और ये 1980 में ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बन जाता है, ठीक है। 1980 में विश्वविद्यालय बना दिया जाता है, इसमें फार्मिंग रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है, खेती के रिलेटेड। देखिए 1980, यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होता है 1980 और कहीं कहीं 1981 में। देखिए, इसकी स्थापना 1980 में हुआ और इसने अपना पढ़ाना शुरू 1981 में किया, इसीलिए 80-81 में कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। कितना सुंदर, 1960 में पहला यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी, एकदम 61, 62, 63 रहने से याद करने में परेशानी होता है, तो 1960 परेशानी नहीं होगा, 1980 भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। दो यूनिवर्सिटी बन गई बिहार में, इस झारखंड में, तो उस समय तो बिहार ही था। अब देखिए 1992 में क्या होता है, 1992 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय बिल पास होता है, विद्यालय विधेयक पास होता है। इसके तहत क्या किया जाता है कि जितने भी शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, सुदूर इलाकों तक पहुंचाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, और उस रूल्स रेगुलेशन के तहत विश्वविद्यालय का विकास किया जाएगा।
तो बिहार 1992 में क्या होता है, देखिए हमारा जो रांची यूनिवर्सिटी था जो 1960 में बना है, और एक भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी 1960 में बना है, दोनों किससे बना है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। तो अब देखिए 1960 में क्या घटना, 1992 में क्या घटना होता है, रांची को तोड़ने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है, और भागलपुर यूनिवर्सिटी को भी तोड़ने का, बाइफर्गेशन करने का कानून बनता है, रांची को तोड़ के काट के बनाया जाता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, और भागलपुर को ये करके बाइफर्केट करके बनाया जाता है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कितना सिंपल है, 1992 में दोनों यूनिवर्सिटी बन गया, याद रखने में कोई कष्ट नहीं है। 1992, अब देखिए 1992 में और क्या हो जाता है, जो बिहार विश्वविद्यालय था ना मुजफ्फरपुर में, उसका नाम बदल दिया जाता है, उसका नाम क्या कर दिया जाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का नाम, सॉरी भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया जाता है तिलका मांझी विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ये सब चेंजिंग आता है, ठीक है, उसी 92 वाले बिल के तहत, 1992 के जो बिल पास करता है उसके तहत क्या निर्णय, रांची को और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बांटा गया, उधर जो यूनिवर्सिटी छूट गया ना वो भी टूट के मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी बना, लेकिन हमारे लिए यही रेलिवेंट है, इसीलिए वो हम लोग पढ़ रहे हैं। 1992 में बहुत 6-7 यूनिवर्सिटी बने थे बिहार में, तो इसमें क्या हुआ, 1992 में रांची से विनोबा भावे अलग हुआ हजारीबाग में, और भागलपुर से एसके सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका, ये हुआ। दूसरी बात, भागलपुर का यूनिवर्सिटी का नाम बदल के तिलका मांझी विश्वविद्यालय हो गया, और वो जो बिहार यूनिवर्सिटी था उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। एसके यूनिवर्सिटी का नाम फिर 2003 में हो जाता है एसके एम यू सिद्धू कान्हू मुर्मू, ये मुर्मू सिद्धू कान्हू का टाइटल को भी जोड़ दिया जाता है 2003 में, ये भी याद रख लें आप लोग, कितना सिंपल है। पहला यूनिवर्सिटी 1960 में, दूसरा बिरसा कृषि विद्यालय जो था कृषि विश्वविद्यालय 1980 में, उसके बाद 1992 में दो यूनिवर्सिटीज़ बनी, दैट इज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी दुमका, और 2003 में एसके यूनिवर्सिटी का नाम बदल के सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो जाता है, इतना याद रखना है। अब देखिए आज जब 2000 में झारखंड बट गया, ठीक है, बटने के बाद 2009 में झारखंड विश्वविद्यालय बिल पास होता है, और इस बिल के तहत दो और यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, ठीक है, रांची को तोड़ के, एक का नाम होता है कोल्हान यूनिवर्सिटी, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में, और दूसरा यूनिवर्सिटी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, पीताम्बर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ये नीलांबर पीताम्बर जानते होंगे, ये फ्रीडम फाइटर थे 1857 के सिपाही विद्रोह में, उसी के नाम पे मेदिनी नगर, मेदिनी नगर में है, ठीक है, कितना सिंपल है। 2009, उससे पहले 1992, उससे पहले 1980, उससे पहले 1960, सिंपल है ये। ये हुआ पहला यूनिवर्सिटी बिल आया हमारा आज़ाद झारखंड में। अब देखिए क्या होता है 2017 में, अभी हाल फिलहाल क्या किया गया, दो और यूनिवर्सिटी बनाई गई, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग को तोड़ दो भागों में बांट दिया गया, एक का नाम दे दिया गया विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, ठीक है, ये कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद,
विनोबा भावे, एक विनोबा भावे खुद रह गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, और एक विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, विनोबा भावे बी नो ये भी याद रखने बहुत आसान होगा, विनोबा भावे से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी अलग हुआ है, वो धनबाद में है, ये हजारीबाग में। और एक 2017 में क्या होता है, एक और यूनिवर्सिटी बनता है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी कैसे बनता, देखिए रांची कॉलेज था पहले, रांची कॉलेज रांची यही था, ये किसके अंदर में आता था, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में आता था, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर में आता था। तो इसी रांची कॉलेज, रांची को उत्क्रमणित करके, मतलब इसको अपग्रेड करके एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया, रांची कॉलेज रांची। अब कौन सा वो अब वो कॉलेज नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी यूनिवर्सिटी सिटी, ठीक है। कहाँ, ये रांची में ही है, क्लियर। कितना सिंपल है, ये टोटल 8 यूनिवर्सिटी हो गया जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक ही था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बॉम्बे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, दो स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद जो 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसको पढ़ेंगे। दो स्पेशल यूनिवर्सिटी है, देखिए झारखंड रक्षा एक नंबर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची, रांची, ठीक है। दूसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रिसर्च इन लॉ, दोनों स्पेशल यूनिवर्सिटी कहाँ है, दोनों रांची में। ये स्पेशल यूनिवर्सिटी क्यों है, ये रांची में है दोनों, ये देखिए, क्योंकि इसमें सब कोई नहीं, आप जाके और मैं जाके नहीं पढ़ सकता हूँ, ये झारखंड रक्षा शक्ति, ये पुलिस ऑफिसर जाके पढ़ते हैं, पुलिस को शिक्षा के लिए, इसमें से पुलिस साइंस का पढ़ाई होता है, जो वर्किंग पुलिस होते हैं, ऑफिसर होते हैं, SP होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं या छोटे से बड़े अधिकारी, ये सब जाके वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, पुलिस साइंस पे, सिक्योरिटी पे। जैसे पहले साइबर लड़के 10वीं पास का आदमी हवलदार बन के बन जाता है, ऐसे करके इंस्पेक्टर बन जाता है, उन लोग कहाँ से सीखेगा, साइबर क्राइम आ गया, इतने बड़े बड़े क्राइम, तो उन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए ये यूनिवर्सिटी बना है, ये भी डिग्री देते हैं लेकिन पुलिस को। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, ये भी एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, नेशनल यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको, ये जज के लिए है, जज जो बड़े बड़े न्यायिक पद में है उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये दो स्पेशल यूनिवर्सिटी हो गए, ये याद कर लें इसे। अब हम लोग चलते हैं जो 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि हमारे झारखंड में 13 यूनिवर्सिटी है भाई, इसमें से हमें पता नहीं चला, बहुत आदमी को नहीं पता चलेगा, सेम सिटी में रहता है फिर भी नहीं पता रहता है। देखिए पहला एसेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये कहाँ है, हजारीबाग में दोस्तों, एसेट यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, हजारीबाग में ये यूनिवर्सिटी है। आगे अमेठी यूनिवर्सिटी, अमेठी मेन इसका हेडक्वार्टर, अमेठी मतलब ऐसा नहीं है कि अमेठी सिर्फ झारखंड की में यूनिवर्सिटी है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रांची में ही है, जिस तरह सिद्धू कानू सिर्फ रांची झारखंड में ही है, ये झारखंड से बाहर भी है, ये अमेठी भी झारखंड से बाहर है, मैन इसका नोएडा में ब्रांच है, ठीक है। उसी तरह एसकेट का है डिंडीगुल में, डिंडीगुल मैन ब्रांच डिंडीगुल,
तमिलनाडु में, तो हमको वहाँ नहीं जाना है। उसी का एक सिस्टर ब्रांच है मैन डिंडीगुल में, उसका एक सिस्टर ब्रांच है, ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। ये अपना डिग्री अपने अनुसार दे सकता है। अमेठी भी इसी तरह का है, हर एक स्टेट में आपको अमेठी यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो झारखंड में जो अमेठी यूनिवर्सिटी कहाँ है वो दैट इज इन रांची। बड़े बड़े शहरों में होते हैं, छोटे शहरों में तो होगा नहीं। तीसरा यूनिवर्सिटी देखिए, आप याद रख कीजिए, अर्का जैन यूनिवर्सिटी। अर्का जैन, ठीक है, अर्का जैन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अर्का जैन यूनिवर्सिटी गमहरिया, गमहरिया हरिया, ये सरायकेला खरसावां में गमहरिया बोल के एक बाज़ार है उसमें, ठीक है। चौथा कैपिटल यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी है कोडरमा में। ठीक है दोस्तों, पांचवा यूनिवर्सिटी हो गया इकफाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई होती है इसमें इकफाई। इकफाई सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, ये इन लोगों टाइप का बहुत जगहों पे है। तो झारखंड में इकफाई का यूनिवर्सिटी कहाँ है? रांची में। ये है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ, इकफाई का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया, एनालिसिस ऑफ इंडिया, ये है फुल फॉर्म, रांची में है इकफाई। ठीक है, छः नंबर है झारखंड राय यूनिवर्सिटी, झारखंड, झारखंड राय, आर ए आई, राय यूनिवर्सिटी, ये वाली कन्फ्यूज मत होइएगा। झारखंड राय यूनिवर्सिटी कहाँ है? दैट इज इन रांची। ठीक है, छः यूनिवर्सिटी हो गए, अभी हम लोग और सात यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। सातवां है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, राधा गोविंद कहाँ है? रामगढ़, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी रामगढ़। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन आ जाएगा, राधा गोविंद विधि विश्वविद्यालय, विधि विद्यालय कहाँ है? मतलब राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के अंदर ही है राधा गोविंद कॉलेज, लॉ कॉलेज, राधा गोविंद लॉ कॉलेज, ये कहाँ है? रामगढ़। देखिए राधा और राम, ठीक है, याद रख सकते हो, दोनों पौराणिक देवता है हमारे। फिर तीसरा है नेताजी सुभाष, तीसरा नहीं आठवां, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी कहाँ है? जमशेदपुर। आपने देख लीजिए कोल्हान में तीन यूनिवर्सिटी मिल गया आपको, अर्का जैन गमहरिया में, एक नेताजी सुभाष जमशेदपुर में, दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और एक कोल्हान यूनिवर्सिटी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। नौवां यूनिवर्सिटी है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी पलामू, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिए। दसवां यूनिवर्सिटी हो गया, दसवां यूनिवर्सिटी हो गया साईनाथ यूनिवर्सिटी, साई नाथ यूनिवर्सिटी रांची। ठीक है, सरला बिरला यूनिवर्सिटी, सरला बिरला यूनिवर्सिटी, ठीक है, सरला बिरला कौन था? बिरला परिवार है ना, उसी की एक लेडीज थी, ठीक है, वही जो टाटा बिरला समझते हो उसी का एक कोई बहन थी। ठीक है, उसके बाद उषा मार्टिन, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी कहाँ है? उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी ये भी रांची में है, उषा मार्टिन कंपनी जो है वो रांची में ही काम करती है। तेरहवां यूनिवर्सिटी
YBN यूनिवर्सिटी रांची। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है, मगअप कर जाइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सारी यूनिवर्सिटी मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा, डिफरेंट जितने भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस एजेंसियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, लॉ कॉलेज, सब पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।